सील नंबर 4, चतुर्थ सील, फोर्थ सील, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाद्यामी। मूसा वादा यानी मूसा जो बोलते हैं वो है झूठ बोलना या झूठ के तरह का व्यवहार करना। जैसे हम कहते हैं कोई अंबेडकरवादी है तो इसका मतलब अंबेडकर की जो फिलॉसफी है उसको वो मानता है, उसकी वो प्रैक्टिस करता है। कोई कहे ये बुद्धवादी है तो बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्ध की जो बात है उसको वो मानता है और उसकी वो प्रैक्टिस करता है व्यवहार में। हम कहें कि कोई कम्युनिस्ट है तो वो कम्युनिस्टवादी हो गया, इसका मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा है वो उसकी प्रैक्टिस करता है और उसको मानता है। ऐसे ही मूसावादी होता है, इसका मतलब वो झूठ की जो फिलॉसफी है, जो झूठ का सिद्धांत है उसको मानता है और उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको मूसावादी यहाँ बोला गया है। सबसे पहले इस सील की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है कि भगवान बुद्ध ने, सुगत बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने, भंगी बुद्ध ने, एक प्रश्न आया है बीच में, वो कहते हैं आप बार बार भंगी शब्द यानी भंगी बुद्ध क्यों बोलते हैं। दरअसल उन्होंने राग और द्वेष को और मोह मूर्ता को भंग किया था जड़ से, इसलिए वो पहले भंगी हुए। जो भंग करता है उसको भंगी बोलते हैं, इसलिए उनका नाम भंगी बुद्ध भी है, उनको भंगी भी बोल सकते हैं। तो जो उन्होंने बताया और जो उन्होंने देखा, तो जाहिर सी बात है उस समय झूठ का और झूठ की विचारधारा का और झूठ पे चलने वाले लोगों का, झूठ के सिद्धांत का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा होगा। हर आदमी, हर व्यक्ति झूठ पे आधारित बात करता होगा, झूठ को मन में रखता होगा, झूठ की प्रैक्टिस करता होगा। इसलिए लोगों को सही करने के लिए, लोगों को सम्यक और सम बनाने के लिए उन्होंने चौथे नंबर का जो ये सील है वो दिया। सील, जैसा मैंने बार बार आपको बताया है, सील उसको कहते हैं जो आपका वचन यानी बोलना और जो आपका काम होता है वो सम्यक और सही रूप से, जब आपका मन उसको आदेशित करता है यानी कमांड करता है कि ये बिल्कुल सही होना चाहिए और मन उस बात को गवाही देता है कि ये काम बिल्कुल सही है और ठीक है जो आप बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, उसको सील बोलते हैं। और ये सील 24 घंटे 365 दिन, जब तक बच्चा पैदा होता है, जब तक आदमी मरता है, तब तक उसके साथ रहते हैं। ये पावर उसके अंदर पहले से ही मौजूद होती है पहचानने की, कौन सा काम सील वाला है, कौन सा काम विसील वाला है। विसील यानी विष वाला है। तो यहां सबसे पहले आप अगर देखें, क्योंकि झूठ का बोलबाला है, तो झूठ है क्या और सच क्या है? क्योंकि अगर आप झूठ को पहचान लेंगे और झूठ को अगर समझ लेंगे तो झूठ को फिर आइडेंटिफाई करने में, उसकी प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी। प्राकृतिक नियम में जो चलता है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर, जो प्राकृतिक नैसर्गिक और नेचुरल लॉ हैं, जो नियम बने हुए हैं, जो सही और सम्यक हैं, अगर उनके विपरीत कोई व्यवहार होता है तो वो झूठ का व्यवहार होता है। यानी अप्राकृतिक या जो नियम के विरुद्ध हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध चीज़ें हैं, वो सारी की सारी झूठ में आती हैं। ये जो सेंटेंस जितना छोटा है उतना ही समझने में आसान भी है। हमारा जो पूरा शरीर बना हुआ है वो सच पे आधारित बना हुआ है। जानवरों का जो पूरा शरीर है वो सच पे आधारित बना हुआ है। सच का मतलब है कि जैसे प्रकृति ने हमें बनाया है उसी तरह से वो चलता है, जैसे उसने हमें ढाला है उसी तरह से वो ढाला जाता है, उसी तरह से बनता है। जब हम अपने इस सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में, यानी कि अपने मन में, मन सॉफ्टवेयर है हमारा और जो शरीर है वो हार्डवेयर है, जब उसमें हम कोई अप्राकृतिक बात लेके आते हैं तो वो झूठ हो जाता है। तब हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस फाइल को लेता नहीं है, फिर वो फाइल आके गड़बड़ करती है, परेशान करती है और वो पूरे हार्डवेयर को ख़राब करती है जब तक वो फाइल रहेगी। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आपने कोई गलत काम किया, आप घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठे हुए आपने गेंद उछालनी शुरू की और गेंद उछल के और दूध के बर्तन में जा गिरी और दूध सारा ज़मीन पर गिर गया। ये काम हो गया, ये क्रिया हो गई। अब अगर कमरे के बाहर कोई पूछे आवाज़ लगा के, आपकी माता या आपके पिता या कोई अन्य, क्या हुआ, क्या दूध गिरा क्या, और आप अगर ये कह दें कि नहीं दूध नहीं गिरा, कुछ नहीं, बर्तन ऐसे ही हुए हैं, तो फिर आपका सारा सिस्टम हिल जाएगा। अब आपने जो बोला है प्रकृति के नियम के अगेंस्ट, यानी जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में आपने बोल दिया है, दूध गिरा है, आप बोल देते कि दूध गिरा है, ऐसे से गिरा है, तो फिर आपका मन शांत हो जाता,
फिर जो होना था वो होता, मगर आपने ये कह दिया कि नहीं दूध नहीं गिरा है, जबकि वास्तव में दूध गिरा है, तो आपके मन की सारी फाइलें सारे फोल्डर एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आपको चिंता दो हो गई, एक तो दूध जो गिरा है उसको आपको ठीक ठाक करना है, अब आप कह चुके हैं कि दूध नहीं गिरा है, तो आपको सारी पोजिशन ऐसी बनानी है किचन की या उस कमरे की कि दूध नहीं गिरा है। और दूसरी चिंता आपको ये हो गई कि कहीं जिसने पूछा है अगर वो आके देख लिया तो आप पकड़े जाओगे, तो ये तय हो जाएगा कि आप मूसावादी हो, आप झूठ बोलते हो, आपकी पट्टी झूठी है, तो डबल नुकसान हो जाएगा। उस चक्कर में जब आप वहाँ साफ सफाई करोगे और वहाँ उसको ठीक ठाक करोगे तो तेज़ी से करोगे, बहुत बेध्यानी में करोगे, क्योंकि आपका आधा ध्यान तो उधर लगा हुआ है कि माता ने पिता ने पूछा है कहीं आना जाए, तो आपके हाथ में कांच लग सकता है, चाकू लग सकता है, कोई किचन का कोना लग सकता है, कोई सामान और गिर सकता है, कोई और बिखर सकता है, तो काम में काम खराब हो सकता है, क्योंकि सारा अप्राकृतिक काम हो रहा है, इन नेचुरल काम हो रहा है। इसलिए जो मूसावादी लोग होते हैं उनके शरीर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ खराब 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 प्रकृति के अगेंस्ट में बोलते रहते हैं, पूरे दिन उनकी प्रैक्टिस रहती है, मूसावादी होते हैं, उसके उनका शरीर का नुकसान तो होता ही है, साथ ही क्या होता है कि जो आपने फाइल जो आपके शरीर में नहीं आनी है, यानी अप्राकृतिक है, जो अव्यवहारिक है, जो प्रकृति के अगेंस्ट में जो आपने झूठ बोल के क्रिएट की है, वो फाइल जहाँ जहाँ भी खुलेगी और जहाँ जहाँ भी जाएगी वो सारे सिस्टम को, सारे नेटवर्क को, जितने भी ह्यूमन के नेटवर्क हैं उनको खराब कर देगी। आपने झूठ बोला और बाई चांस वो झूठ पकड़ा गया, तो ये बात तय हो गई कि ये जो व्यक्ति है मूसावादी है, अब आपकी किसी भी बात में कोई भी आँख बंद करके यकीन नहीं करेगा, जो भी बात होगी संशय में होगी। दोबारा अगर बर्तन गिरे, चाहे वो बिल्ली ने गिराए या कुछ गिराए, तो ये माना जाएगा कि आपने जानबूझ के गेंद गिराई और दूध गिरा। जो मूसावादी लोग होते हैं, जो झूठ पर प्रैक्टिस करते हैं, उनके परिवार में भी उनकी कोई इज्जत नहीं करता, जब वो पकड़े जाते हैं फिर उनकी प्रैक्टिस होती है, ये समझ में आ जाता है, तो उनका कोई यकीन नहीं करता, उनके जीने का जो अर्थ होता है वो लगभग ख़त्म और जीरो हो जाता है। उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते, उनके माता पिता उनकी इज्जत नहीं करते, मोहल्ले पड़ोस में वो सब एक तरह से मूसावादी यानी झूठ बोलने वाला करार हो जाता है, जिसका कहीं कोई विश्वास नहीं करता, अविश्वास में वो आ जाते हैं। ऐसे लोगों की ना कोई मदद करता है, ना कोई उनको काम देता है, ना ही कोई काम पे लगाता है, क्योंकि मूसावादी व्यक्ति को कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर दो झूठ बोलने वाले हों, दो मूसावादी हों, वो भी आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को काम नहीं देंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, ये कहते हुए कि ये झूठ बोलता है और दूसरा कहेगा कि ये झूठा है, ये झूठी प्रैक्टिस करता है। अगर आप कहीं बाहर के लेवल पे कहीं जाते हैं, कहीं दूसरे शहर में जाते हैं या स्टेट में जाते हैं, और आपके बारे में भी पता चल जाए कि आप मूसावादी हैं, झूठ की प्रैक्टिस करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रकृति के अगेंस्ट में करते हैं, तो वहाँ आपकी जीवन बहुत ही संकट में आ जाएगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। कोई अगर बहुत बड़े लेवल पे कोई शासन अध्यक्ष है या कोई राजा है या कोई ऐसा कोई ओहदे पर है, पद पर है, जहाँ उसका ये मान्यता हो जाए कि ये मूसावादी है और ये झूठ बोलता है, तो सब लोग उसके मूसावादी प्रैक्टिस होने का फ़ायदा तो उठाएंगे, क्योंकि वो मूसावादी है, झूठ पे प्रैक्टिस करता है, इसलिए उसके झूठ को सच मान के उसको दिलासा दे के उससे अपना काम निकलवाएंगे। दुनिया में सारे लोग उसका शोषण करेंगे ये कहते हुए, और वो जानता है वो झूठ बोलता है, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पाएगा और वो सारा का सारा अपना शोषण कराता रहेगा। ये ठीक ऐसे है जैसे कोई बच्चा अगर चोरी घर से पैसे करता है और वो चोरी करके पैसे ले जाए और उसका भाई उसको देख ले या उसका दोस्त उसको पता चल जाए कि इसने चोरी के पैसे लिए हैं, तो वो उसमें से हिस्सा मांगेगा या कहेगा होटल में खाना खिलाओ या कहेगा पिक्चर दिखाओ या कहेगा कि मुझे इतना पैसा दे दो उधार, और वो वापस भी नहीं देगा, क्योंकि चोरी का पैसा जो आया हुआ है, जो मूसा प्रैक्टिस करके मूसावादी प्रैक्टिस से जो पैसा आया हुआ है, उसकी इज्जत नहीं होती, उसका कहीं कोई अकाउंट नहीं होता, आप किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि आप घर में अगर ये कहेंगे कि मैंने 100 रुपये चुराए थे और इसने मेरे दोस्त ने 50 रुपये मुझसे लिए, अब ये 50 रुपये नहीं देता है, तो घर वाले उस 50 की बात बाद में करेंगे, पहले 100 रुपये के चोरी की बात करेंगे कि आपने 100 रुपये चुराए क्यों। इसलिए जो ऐसी प्रैक्टिस करता है वो हमेशा दबा रहता है। अगर कोई बहुत पावरफुल आदमी है और वो मूसावादी प्रैक्टिस करता है, तो वो पूरी जितना भी उसके पास अधिकार होते हैं वो अधिकारों का शोषण जीवन भर कराता रहेगा। वो घर, वो परिवार, वो मोहल्ला, वो प्रांत, वो देश या वो
सिस्टम, वो उद्योग, वो कभी नहीं बढ़ सकता आगे जो मूसावादी प्रैक्टिस पे आगे बढ़ता है। अनंत उसे खत्म होना ही होता है, अनंत उसके दुष्परिणाम आने ही होते हैं, अनंत वो सॉफ्टवेयर में करप्शन फैलाएगा ही, अनंत वो जो झूठी फाइलें हैं वो उसको बीमार करेंगे ही, अनंत वो जो झूठा सब कुछ इकट्ठा किया है वो एक ना एक दिन विस्फोट करेगा और वो सबको ले डूबेगा। ये प्रकृति का नियम है। ये बुद्ध ने, सुगत ने, भंगी बुद्ध ने, तथागत ने अपनी विपस्सना से देखा और समझा कि झूठ, एक झूठ पूरे शरीर को, पूरे आसपास के लोगों को, पूरे आसपास के वातावरण को, सारे व्यवहार को, सारे व्यापार को, सारे सिस्टम को, सारी प्रकृति को किस तरह से हिला देता है। बहुत बारीकी में जाके इसका अध्ययन किया। तब उन्होंने कहा, मूसावादा वीरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी। आप अगर झूठ पे प्रैक्टिस करते हैं या कभी कभी झूठ बोलते हैं तो आप जानते हैं कि आपको कितनी बेचैनी रहती है, कितनी परेशानी रहती है, कितना आपको तकलीफ़ होती है। उस झूठ को याद रखना पड़ता है, उन झूठों को याद रखना पड़ता है। सच्ची बात तो एक तरफ हो जाती है, फिर पूरी ज़िंदगी झूठ में ही चली जाती है। धन्यवाद।